आजिज बोला गार बंदे ने आपके सामने अल्लाह ताला के पाक नाम से एक आयत मौका पर निकाल हासिल किया
तला से दुआ है कि इसका सही मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सब मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। आप सब दोस्त चल के आए, आपका चल के आना अल्लाह के जिक्र के लिए है, अल्लाह की याद के लिए है। याद रखिए कि अल्लाह ताला की ज़ात इतनी बामरवत ज़ात है कि जो उसकी तरफ एक कदम उठाता है वो उसकी तरफ दौड़ के आता है, जो चल के जाता है उसकी तरफ दौड़ के आता है। मतलब ये कि अल्लाह की रहमत उस बंदे की तरफ लपकती है। देखिए कि जिस रब ने इंसान को पैदा किया उसको जन्नत में क्यों डालेगा, क्यों डालेगा जन्नत में उसको? अल्लाह ताला की रहमत इंसान को निजात देना चाहती है, जन्नत में ले जाना चाहती है। इंसान का नफ्स, उसका शैतान उसको जन्नत में डालना चाहता है उसको। ये वो लड़ाई है जो लड़ी जा रही है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए, क्यों इकट्ठे हुए, आप आए क्यों आए? एक हदीस पाक सुने ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने ये काम क्या काम किया है। बाद में बंदा सोचता है यार सदीक भाई ने बोला था चलो यार अब चले चलते हैं, अब ना भी नहीं कर सकता बंदा, तलक होता है बंदा ना नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, आप क्यों आए? हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो घूमते रहते हैं, जहाँ कहीं जिक्र की महफिल होती है, जहाँ बैठ के लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो फरिश्ते क्या करते हैं, उस महफिल में आके बैठ जाते हैं, उस अल्लाह के जिक्र को सुनते हैं। एक दूसरे बात में आता है कि अपने नूरी परों से उस महफिल को ढांप लेते हैं। आप गौर करें कि आप एक ऐसी महफिल में बैठे हैं जहाँ अल्लाह के फरिश्तों का नजूल हो, और फिर वो अल्लाह के फरिश्ते उस महफिल को अपने नूरी परों से ढांप लें, कितनी बाबरकत जगह होगी वो। और एक ऐसी महफिल जहां साज हो, गाना हो, वहां फौरी तौर पर शैतान आके बैठ जाते हैं, शैतानी महफिल। वो महफिल कितनी बुरी होगी जिसमें शैतान आके बैठता हो। तो आप हम लोग एक ऐसी महफिल में आए जहां पे बैठ के लोग अल्लाह का जिक्र करेंगे। हदीस पाक का मफहूम है कि फिर फरिश्ते क्या करते हैं, उस महफिल से जब उठ के वापस अल्लाह ताला के पास जाते हैं, अल्लाह ताला उनसे सवाल करते हैं, मेरे फरिश्तों तुम कहाँ गए थे? हालांकि अल्लाह ताला को सब पता है। फरिश्ते कहते हैं रब करीम हम एक ऐसी महफिल में गए थे जहाँ बंदे तेरा जिक्र करते थे। रब करीम पूछते मेरे फरिश्ते, वो मेरे बंदे किस चीज से पनाह मांगते थे, किस चीज से डरते थे? फरिश्ते कहते हैं रब करीम वो बंदे तेरे जन्नम के अजाब से डरते थे। रब ताला पूछते हैं क्या उन्होंने मेरी जन्नम को देखा हुआ है? फरिश्ते कहते हैं रब ताला तेरी जन्नम को नहीं देखा उन्होंने। रब ताला फरमाते हैं अगर मेरी जन्नम को देख लें तो कितना खौफ करें, वो बिना देखे इतना डरते मेरी जन्नम से। फिर रब ताला पूछते हैं मेरे फरिश्तों उन बंदों ने किस चीज का सवाल किया, क्या मांगते थे, किस चीज का सवाल करते थे? फरिश्ते कहते हैं रब करीम वो तेरी जन्नत का सवाल करते थे। रब ताला पूछते हैं क्या उन्होंने मेरी जन्नत देखी है? फरिश्ते कहते हैं ताला तेरी जन्नत नहीं देखी। रब ताला फरमाते हैं अगर मेरी जन्नत को देख लेते तो कितना शौक करते, मेरी जन्नत है इतनी खूबसूरत। जब ये सवाल जो आप खत्म होते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने सबको बख्श दिया, मैंने सबकी बख्शिश कर दी। फरिश्ते बोले रब ताला उन बंदों में से एक बंदा ऐसा था जो तेरे जिक्र के लिए नहीं आया था, वैसे गुजरा था वैसे बैठ गया था। अब फरिश्तों ने बात बताने की कोशिश की, चूंकि वो बंदा अल्लाह के जिक्र के लिए नहीं आया था वैसे गुजरा था, उनका यार क्या हो रहा है ऐसे बैठ गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे फरिश्तों मैंने उसको भी बख्शा, मेरे इन बंदों के पास बैठने वाला बदबख्त नहीं होता, मैंने उसको भी बख्श दिया। अब बताओ ये हदीस पाक है, हम क्यों आए? अल्लाह के जिक्र के लिए। बैठ के क्या करेंगे? अल्लाह का जिक्र करेंगे। जब अल्लाह का जिक्र करेंगे तो इस हदीस पाक जो मेरे नबी का एक एक लफ्ज सच्चा, नबी सच्चा मेरा रब सच्चा, एक एक उनका लफ्ज सच्चा, इस हदीस पाक के मुताबिक जब अल्लाह का जिक्र होगा तो अल्लाह के फरिश्तों का नजूल होगा, और अल्लाह के फरिश्ते जब अल्लाह ताला के पास जाएंगे तो अल्लाह ताला उनसे सवाल करेंगे। ज़े नसीब उसका जिसका जिक्र अल्लाह ताला के हाँ हो, अहले जिक्र का जिक्र हो। ये थोड़ी थोड़ी बात है कि बंदू का जिक्र अल्लाह ताला के पास हो, अल्लाह के हाँ का जिक्र हो,
कि रब तेरे पे कुछ बंदे बैठे थे उनका जिक्र कर रहे थे, और आखिर में जब अल्लाह ताला की रहमत अरूज जोश में आए, ऐलान करे मेरे फरिश्तों में मैंने सबको बख्श दिया। हम तो यहाँ पर सैर के दो नहीं आए थे, हम तो अल्लाह के जिक्र के लिए आए हैं। पता ये चला ऐसी महाफिल जन्नत टिकट होती। अब आपको पता चला आप क्या करने आए, किस लिए आए आप, और आपके पास आपको मिलेगा तो। बल्कि अल्लाह के वली फरमाते हैं कि जहां तुम्हें ये ऐसी महफिल मिले, बा खुदा एक अल्लाह के वली का ये कौन है, जहां तुम्हें ये महफिल मिले अगर तुम्हें अपना घर बेच के जाना पड़े ना चले जाना सौदा महंगा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, बाखुदा दोस्तों को दावत देते हैं, पहले 100 बहाना करेंगे, असल में यार वो काम था। अब क्या है कि शैतान नहीं चाहता कि ये वहां जाके बख्शिश पा ले, नेकी पा ले। ये वो नेमत है, ये वो अल्लाह का याद है, अल्लाह का जिक्र है और नेक बंदों की सोबत है। मैंने आयत पढ़ी थी, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों पे ना खौफ होता है वो ना गमगीन होते हैं। अल्लाह के वली, अल्लाह का दोस्त। आज हमारी खुशनसीबी है कि हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती तशरीफ फरमा होने वाली है जो अल्लाह के एक कामल दोस्त, कामल वली। हमने ये लफ्ज सुना है अल्लाह का वली, कभी इसकी हकीकत पे गौर नहीं किया। हकीकत क्या है, सुने इसकी हकीकत क्या है। जब किसी चीज की निस्बत अल्लाह से जुड़ जाती है, अल्लाह का घर नहीं कहते, अल्लाह का घर मस्जिद, अल्लाह का घर। अच्छा, कुरान पाक में वो जानवर जो कुर्बानी के लिए भेजे जाते हैं ना, उनका अलग से जिक्र आया, जिनके गलों में कलादे डाल दिए जाते हैं, कुर्बानी के जानवर। अल्लाह बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, जब निस्बत अल्लाह से जुड़ गई तो वो चीज खास हो गई। हम लोग हरम जाते हैं, एक नमाज पढ़ते हैं, चूंकि वो बैतुल्लाह है, अल्लाह फरमाता है मैं एक के बदले लाख नमाज का दूंगा, फायदा दूंगा। वजह क्या थी कि निस्बत अल्लाह के साथ। तो अगर हम एक अल्लाह के वली के पास बैठेंगे तो क्या इसके पास, अल्लाह के वली के पास बैठना एक आम बंदे के पास बैठने की तरह है? ना, हर गिज़ में। बोलिया अल्लाह की सोबत की इतनी बरकत है, इतनी बरकत है। आपने सूरत काफ में पढ़ा होगा, 7 अल्लाह के वली थे, उन्होंने गार में पनाह ली थी, उनके साथ एक कुत्ता था, बड़ा मशहूर वाक्य। अब मैं वाक्य पूरा बयान नहीं करूं। कहते हैं कि जन्नत में कुछ जानवर भी दाखिल होंगे, ये अनहोनी बात है, हालांकि जन्नत बंदी बंदों के इंसानों के लिए बनी है, लेकिन अल्लाह ताला कुछ जानवरों को भी जन्नत में दाखिल फरमाएगा, उनमें से वो कुत्ता भी होगा साबिर काफ का। वजह यह थी कि उस कुत्ते ने नेकों के साथ दोस्ती लगाई थी। खुदा की कसम, सारी जिंदगी दुनियादारों की दोस्तियां कर करके खाने खिला खिला के किसको, दुनियादार गप्पे क्या लगाने, गीतें करनी। मेरे नबी फरमाते हैं कि तेरा खाना मुत्तकी के सिवा कोई न खाए। अंदाजा कर, तेरा खाना नेक के सिवा कोई न खाए। क्यों? गुनाहगार को खाने खिला के उसने तो बेनमाजी नमाज तो पढ़नी नहीं, आपने खाना खिलाया उसको जान दे दी, और वो गुनाह करेगा, उसका गुनाह आपको भी मिलेगा। अब जिसके दोस्त सारे दुनियादार हों, बेनमाजी हों, और उसके हाथ खाने खाते हैं आपके, माशाल्लाह गप्पे लगती हैं, बड़े हंसते हैं, खाना खा रहे हैं, वो बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा उनके गुनाह में मददगार है। वो गुनाह करेगा जाके और उसका गुनाह इसको भी मिलेगा, तूने खाना खिलाया। और जिसका दोस्त मुतकी है, जिसका खाना मुतकी खाए, वो जाके नमाज पढ़ेगा उस खाने की ताकत से, उसको तो स्वाद मिलेगा, खिलाने वाले को भी मिलेगा। मेरे भाई ये दुनिया है, आंखें बंद करने से बामला नहीं होना, अपनी निजात की राह ढूंढनी है। ऐसे नहीं होना आंखें बंद करके सुबह ड्यूटी चला गया, ड्यूटी करके वापस आ गया, खाना खाके सो गया, जिंदगी गुजर रही है, पता ही नहीं। ना मेरे भाई, ना, कब्र के अजाब से कैसे बचना है, जन्नत से कैसे बचना है, जन्नत में कैसे सीखनी है, सीखने से आता है। बंदा बिना सीखे इलेक्ट्रिशियन नहीं बनता यार, जल्दी कैसे बन सकता है बंदा जल्दी। ये जो बुजुर्ग आएंगे आपके सामने बैठेंगे,
हम सबको जन्नत की राह दिखाएंगे, सिखाएंगे जन्नती बंदा कैसे बनता है। अगर हमने कान खुले रखे, बात उनकी सुनी, उस पर गौर किया, तो अल्लाह ताला हमें जन्नत की राह पे डाल देगा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। आप हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अल्लाह कुरान पाक के लिए मैं दावा देता हूँ अपने प्यारे भाई हाफिज अफजाल साहब को, वो आए और तलाते करने पाक से बाकायदा इस महफिल का आगाज फरमाएं। بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين مرج البحرين يلتقيان
لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Zlatý pravý pán je vás, vedrám. Je tam ho, co pěre bají, Arif sahb, koho nad šrif, pro někdy žitle. Ya Rasul Allah wa salam alayka ya Habib Allah. जब पहली नजर उनके रोजे पे पड़ी होगी, जब पहली नजर उनके हर हर जा पे मलाइक की बारात खड़ी होगी, हर जा पे मलाइक की सरकार कदर होगा अशकों की झड़ी होगी, सरकार
इस बात से तो तीर बड़ी होगी सरकार की निस्बत से तो तीर बड़ी होगी हो जाए जो वाबस्ता सरकार के कदमों से हो जाए जो वाबस्ता सरकार से हर चीज जमाने की कदमों में पड़ी होगी वो कैसा समां होगा वो कैसी घड़ी होगी वो शीशे दिल गम से तस्वीर मदीने की जिस दिल में जड़ी होगी तस्वीर की जिस दिल में जड़ी होगी वो कैसा समा होगा वो कैसी घड़ी होगी सुभानअल्लाह जज़ाकअल्लाह ये थे हमारे दोस्त हाफिज़ आरिफ साहब अब मैं अदा पे देता हूँ नाशिर पढ़ने के लिए हमारे प्यारे भाई अब्दुल शुक्र साहब को आए और अदियना पेश करो तरस रहा हूँ तेरे शहर की हवा के लिए मदीने बुला लो वो कहीं भी है समझो ये महफिल मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सलाम अलैका या हबीब
या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह नबी का झंडा लेकर निकलो दुनिया पर छा जाओ नबी का झंडा लेकर निकलो दुनिया पर छा जाओ नबी का झंडा है अमन का झंडा घर घर पे लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह करिया करिया बस्ती बस्ती जिक्र नबी का करो करिया करिया बस्ती बस्ती जिक्र नबी का करो नबी की अजमत के गुन गाओ विरद सुबह व शाम करो नबी की अजमत के गुन गाओ विरद सुबह व शाम करो नबी का झंडा ऊंचा रहेगा नबी का झंडा ऊंचा रहेगा नारा नहीं लगाओ नबी का झंडा है अमन का झंडा घर घर पे लहराओ पुकारो या रसूल आशक है जो पाक नबी के लेकर उनको साथ चलो आशक है जो पाक नबी के लेकर उनको साथ चलो कमली वाले कहमत वाले हाथ में डाले हाथ चलो कमली वाले कहमत वाले हाथ में डाले हाथ चलो नबी का झंडा ऊंचा रहेगा नबी का झंडा ऊंचा रहेगा नारा यहीं लगाओ नबी का झंडा है अमन का झंडा घर घर पे लहराओ पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तशरीफ फरमा हुए हैं अल्लाह ताला का करम है अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने हमको ये नेमत उज़्मा बख्शी हज़रत मजलिस इन औलिया अल्लाह की शान क्या है मैं और आप शान क्या बयान करेंगे इनकी शान अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमाई है अल्लाह ताला ने इनकी दोस्ती की तारीफ की है फरमाया कि क्या ही अच्छे दोस्त अब जान लेंगे जिस चीज की अल्लाह ताला तारीफ फरमाए वो तारीफ के कितनी लायक होगी कि वो हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी जान अपनी जिंदगी अपना सब कुछ बहुत खुदा की फला के लिए खर्च कर देते हैं और सबसे बड़ी बात हमारे दीन के ये रहनुमा हम सुबह शाम पांच वक्त नमाज में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं रब ताला हमें उन लोगों की राह पे चला जिनको तूने इनाम किया है कितनी आसान बात है कि हाय रब हमें उन लोगों की राह पे चला जिन पे तूने इनाम किया ये इनाम याफ्ता लोग आए देखें इनकी राह है क्या बस इनकी राह देख लो इनकी राह चलोगे अल्लाह ताला की तरफ से भेजी फलाह को पालोगे जब से आज इसका ये गुमान है तसव्वुर है जब से इंसानियत ने इनकी राह से नजर हटाई है ऐसे झगड़ों में पड़ी है उसको समझ नहीं आ रही हल एक ही है आओ इनकी राह को देखो इनकी राह को देखोगे कोई राह पे चलते पाओगे तुम भी उस राह पे चलोगे निजात पा जाओगे
आज इस प्रोग्राम को जारी रखते हुए अब दावत देगा नाज शरीफ पढ़ने के लिए अपने प्यारे भाई इफ्तार मुसूबी साहब को कि आप आए और अपने प्यारे कलाम से हम सबको महसूस फरमाए। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار بہار آپ سے ہے میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواں میری تو جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں اس یقین پہ زندہ ہوا آپ میں مدار آپ سے ہے میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے بار بار آپ سے ہے یہ حاضری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے محبتوں کا صلہ کون
यार गार आप से है सुनहरी जालियों में यार गार आप से है हजूर आप की यादों में अश्क रहमत है हजूर आप की यादों में अश्क रहमत है ये आँख में रिज़्याश्क बार आप से है मैं बेकरार था मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हजूर ने तो सारी बहार आप से है। हजरत बोला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाज़ लोग अल्लाह ताला के जिक्र की कुंजियां होते हैं उन्हें देखकर अल्लाह ताला की याद आती है। अमन मुशद करीम अल्लाह के कामत वली है कि जिनकी सोबत की बरकत से इनके फजाने नज़र से लाखों लोगों ने जिक्र की दौलत को हासिल किया बेनमाजी नमाजी बने आपके फैज 400 आलम फैला। आपके मुख्तसर तारफ के लिए मैं दावत देता हूँ हजरत अल्लामा मोहम्मद महबूब इलाही साहब को कि आप आए और मुशद करीम के तारफ को बयान फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्लि अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सामईन गिरामी क़द्र मोहतरम बुजुर्गों मेरे प्यारे भाइयों मेरी माओ मेरी बहनों आज आप जिस मजलिस में तशरीफ़ फरमा हैं मैं इस बारे में आपको बताता चलूं ये कोई रस्मी मजलिस नहीं है जिसके बारे में हम अक्सर कहते हैं आज मैं एक दीनी मजलिस अटेंड करके आया हूं। मैं आज एक महफिल में बैठ कर आया हूं झूम झूम कर नाते सुने इश्क रसूल के नारे भी जोश से लगा लिए लेकिन वापस जब अपनी ज़िंदगी में गए तो जो झूठ बोल रहा था वो झूठ बोल रहा है। जब वापस उसी ज़िंदगी में गए तो गैर की माँ बहन बेटी को हराम निगाह से देखने वाला उसी निगाह से उसको देख रहा है। अपनी माँ बहन बेटी को देखता है तो देखते हुए उसे मालूम चल जाए कि फलां मेरी माँ बहन बेटी को हराम निगाह से देखता है तो उसका खून जोश मारता है लेकिन दूसरे की माँ बहन बेटी की इज्जत इससे महफूज नहीं। ये जो सूद खा रहा था ये जो हराम खा रहा था जब वापस उस ज़िंदगी में जाता है कि दोबारा वही हराम खा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों मेरी माओ मेरी बहनों ये वो कोई रस्मी मजलिस नहीं जहां हम झूम झूम कर नाते सुनेंगे नारे भी लगाएंगे फेसबुक पर स्टेटस भी अपडेट करेंगे और जब वापस उस ज़िंदगी में जाएंगे तो वही रविश वही आदात हमारी ज़िंदगी में दोबारा आ जाएंगी। नहीं मेरे प्यारे भाइयों खुश नसीब हैं आप तमाम लोग जो इस मजलिस में आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून अल्लाह का जिक्र कसरत से करो ताकि तुम फलाह वाले हो जाओ ताकि तुम फलाह हासिल करने वाले हो जाओ। अल्लाह का जिक्र कसरत से करना किसे कहते हैं? मैं कहूँ अल्लाह ये अल्लाह का जिक्र है। मैं कहूँ सुभान अल्लाह ये भी अल्लाह का जिक्र है। मैं कहूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह का जिक्र है। तो ये कुरान पाक की आयत में किस जिक्र का तज़किरा किया जा रहा है कि मेरा रब फरमाता है वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। ये जिक्र कसीर क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं जिक्र कसीर का मकसद ये है कि बंदा खुदा अल्लाह उसके रसूल का कलमा पढ़ने वाले तू हमा वक्त अल्लाह के जिक्र में शामिल हो जा
तो हम आप अल्लाह का जिक्र करें इसे जिक्र कसीर कहते हैं। बात कुछ समझ में नहीं आई, कारोबार करेंगे जिक्र नहीं कर सकेंगे, जुबान मसरूफ हो जाएगी, पढ़ेंगे जिक्र नहीं कर सकेंगे, पढ़ाएंगे जिक्र नहीं कर सकेंगे, खाना खाएंगे जिक्र नहीं कर सकेंगे, बीवी बच्चे हैं, जरूरियात हैं, कारोबार है, तो क्या ये सब छोड़ दें? नहीं मेरे प्यारे भाई, नहीं मेरे बुजुर्गों, नहीं मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यह जिक्र करके दिखाया आपसे बेहतरीन ताजर कौन था, आपसे बेहतरीन जनरल कौन था, आपसे अच्छा लीडर कौन था। मेरे आका ने सारे काम करके दिखाए, उसके बावजूद मेरे आका जिक्र कसीर करते थे। खुश नसीब हैं आप लोग, आज की इस मजलिस में इस जिक्र कसीर करने का तरीका सिखाया जाएगा, ना आपसे नाम पूछा जाएगा, ना एड्रेस पूछा जाएगा, और ये अल्लाह की एक अजीम नेमत जिसको इस्मे आज़म कहा जाता है आज की इस मजलिस में आपको अता की जाएगी। अगर हमने इस जिक्र कसीर की नेमत को अपनी जिंदगी में जगह दी, तो जैसा मैंने पहले अर्ज किया, जब हम उन जिंदगियों में वापस लौटेंगे, उन जिंदगियों में वापस जाएंगे, वही रविश, वही अल्लाह की नाफरमानी की रविश, वो आदाब, वो अतवार इंशाल्लाह हमारी बदल जाएंगे। आज हमारी इस मजलिस में सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के बुजुर्ग हजरत प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मकसूद इलाही नक्शबंदी तशरीफ फरमा गए। आज ये इस जिक्र इसमें आजम की इजाजत भी देंगे, इसके अलावा एक और खुशखबरी भी सुनते जाइए, आप एक बेहतरीन होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी हिकमत के अवज या हिकमत की फील्ड में आपकी खिदमत के अवज आपको गोल्ड मेडल से नवाजा, बेहतरीन हकीम भी हैं, इसके अलावा रूहानी इलाज भी फरमाते हैं। आपका कोई मसला हो, डॉक्टर ना समझता हो, हकीम की अकल में मर्ज ना आता हो, एक पैसा आपका खर्च ना होगा, ये तमाम खिदमत फी सबीलिल्लाह दी जाती है। आपका कोई मसला हो, अमेरिका, यूरोप, अलगरत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में डॉक्टर्स को दिखा दिखा कर खर्चा करके परेशान हो चुके हो, आपको दावत है, आप अपना मसला बयान कीजिए, फी सबीलिल्लाह इंशाल्लाह आपको उसका इलाज दिया जाएगा, अल्लाह के नाम से शिफा होगी। अब मैं बिला ताखीर मुल्तजी और मुतमिस हूँ हजरत वाला से कि वो आप अपने बयान दिल नवाज से हम तमाम के दिलों को मुनव्वर फरमाएं, तमाम नजारा पेश फरमाएं। मेरे दोस्तों, वाजिब एहतराम बुजुर्गो, इंतहाई प्यारे बेटो, मेरी प्यारी माओ बहनों बेटियो, आजिज नाचीज पुर तकसीर गुनाहगार बंदे के सामने अल्लाह ताला के पाक कलाम में से एक आया करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, रब्बुल इज्जत से दुआ है वो पाक ज़ात आजिज को सही मफहूम बयान करने की, आप सबको सुनने की, हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इससे पहले कि असल मफहूम बयान करूँ, चंद तमहीदी कलमात तर्ज करूँगा। कोई काफर हो, बुत परस्त हो, आतिश परस्त हो, सूरज की पूजा करता हो, दरख्तों की पूजा करता हो, चांद को पूजता हो, सितारों को पूजता हो, एक नफ्स ऐसा नहीं जो मौत पर ईमान ना रखता हो। हर शख्स कहता है, हर जान कहती है, मुझे मरना है, इस बात पर यकीन है।
अगर काफिर मौत पर यकीन रखता है, आतिश परस्त मौत पर यकीन रखता है, चांद की पूजा करने वाला मौत पर यकीन रखता है, सितारों को पूजने वाला मौत पर यकीन रखता है, तो मुसलमान में और इनमें फर्क क्या है? ये बात समझनी है। लंबी कहानियां नहीं, लंबे किस्से नहीं, मकसद की चंद बातें हैं। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बेटी, मुसलमान में और जो अल्लाह का शरीक पर ईमान नहीं लाता, इन दोनों को मौत के मामले में जो फर्क है वो समझ ले। काफिर कहता मर गया मिट्टी हो गया, आतिश परस्त कहता है मर गया मिट्टी हो गया, चांद की पूजा करता है मर गया मिट्टी हो गया, सितारों को पूजता है कहता है मर गया मिट्टी हो गया। मुसलमान ये नहीं कहता, मुसलमान कहता है मरने के बाद अल्लाह ने फिर जिंदा करना है। خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا। रब कहता है मैंने पहले मौत देनी है, फिर मैंने जिंदा करना है, और ताकि मैं पूछूं तुम्हें कौन है जो अच्छे काम करके आया है और तुम्हें कौन है जो गंदे काम करके आया है, जलील होके आया है, अल्लाह की नाफरमानी करके आया है, काफर में और गैर मुसलमान और मुसलमान में फर्क ये है। बाकी सब कहते मर गया मट्टी हो गया, मुसलमान का इस बात पर यकीन है मर के अल्लाह ने फिर जिंदा करना है और फिर पूछना है तू दुनिया में क्या काम करके आया था। अल्लाह का पाक कलाम है, रब ने फरमाया मैंने तख्लीक किया मौत को, पहले मौत का जिक्र है, दुनिया की जिंदगी का जिक्र ही नहीं किया। तो बंदे तुझे मारूंगा फिर जिंदा करूंगा, और क्यों जिंदा करूंगा? ताकि पूछूं तुम में कौन है जो अच्छे काम करके दुनिया से लौटा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, नबी पाक से पूछा आका सबसे ज्यादा अकलमंद कौन है? किसी को कहो बेवकूफ, बड़ा गुस्सा आता है, चेहरा बदल जाएगा, आंखों से कूद के देखेगा मुझे बेवकूफ कहता है। नबी पाक से पूछा या रसूल अल्लाह सबसे अकलमंद कौन है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो मौत को ज्यादा याद करे और मरने के बाद जो काम अल्लाह के हां कामयाब करवाएंगे उन कामों में मशगूल रहे सबसे अकलमंद वो है। नौकरी याद है, बीवी याद है, बीवी को शोहर याद है, दोनों को बच्चे याद हैं, कितना पैसा आता है याद है, कितना जाता है याद है, कहाँ ज्यादा खर्च हो गया था याद है, कहाँ से पैसा मिल सकता है सब याद है, दोस्त याद है, रिश्तेदार याद है, खुदा की कसम याद नहीं तो मौत याद नहीं। हम में से जो सबसे बहादुर हो उसको यकीन दिला दिया जाए कि 10 साल के बाद तू मर जाएगा। 10 साल बहुत होते हैं, बच्चा पैदा होता है तो 10 साल में बालग हो जाता है, बालग होता है तो कड़ियर जवान बन जाता है, 10 साल बहुत होते हैं, जवान हो तो बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा हो तो मर जाता है, 10 साल बहुत होते हैं। किसी को यकीन आ जाए कि 10 साल के बाद तू मर जाएगा उसका क्या हाल होता है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है
ओ मेरे प्यारे असाबा, अगर अगर तुम्हें अपनी मौत का यकीन आ जाए, तुम अपनी बीवियों से लज्जत हासिल न करो, खाना पीना छोड़ दो। ये वो मौत है, और अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में फरमाया, कुल नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत, बंदे तू मुझ पे ईमान लाया, मेरे नबी पर ईमान लाया, तू कुरान पाक पर ईमान लाया, तू जुबान से हाँ हाँ कहता है मैं ईमान लाया, तू सर को बार बार हिलाता है मैं ईमान लाया, अगर तू ईमान लाया है तो यकीन कर तू मरेगा, छोटे से छोटे अमल की तुझे जज़ा मिलेगी, छोटे से छोटे गुनाह का तुझे अजाब मिलेगा, अगर तू ये बात को समझ गया तो ईमान लाया, नहीं तो जुबान की लंतरानी किसी काम नहीं आएगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होने वाला नबी, आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने की दावत देने के लिए घर से निकले, रस्ते में देखा एक शख्स पागलों की तरह भागा हुआ, अल्लाह के नबी ने पूछा क्या हुआ, परेशान होगा या नबी अल्लाह मेरा ऊंट पागल हो गया, वो दूसरे ऊंटों को काटता है, मुझ पर भी हमला करता है, मुझे भी मारना चाहता है, उससे डर के भागा हूं। खुदा के नबी ने फरमाया दिखा ऊंट कौन सा है, या नबी अल्लाह वो पागल हो गया है, कहीं आप पर हमला ना करे, आपने फरमाया उसको आने दो, मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं पूछता हूं क्या मसला है। हदीसे पाक है, थोड़ी देर गुजरी वो ऊंट जुबान लटक रही है, गुड़ गुड़ कर रहा है, पागलों की तरह भागा आ रहा है, खुदा के नबी को देखा तो रुक गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, करीब गए, उसका कान पकड़ा, कान पकड़ के उसने कुछ पढ़ा, पढ़ के छोड़ दिया, वो ऊंट वहीं खड़ा हो गया, आंखों से आंसू टपकने लगे, रोने लगा। खुदा का नबी चला गया, हदीसे पाक है, जिस काम के लिए अल्लाह का नबी गया था, लोगों को अल्लाह की दावत देने, लोगों को मौत याद दिलाने, लोगों को अल्लाह की अताअत करने का दस देने खुदा का नबी गया था, तबलीग करके वापस लौटा, वहीं से गुजरा, ऊंट का मालिक नजर आया, पूछा क्या हाल है तेरे ऊंट का, या नबी अल्लाह पता नहीं उसके कान में आप पढ़ के क्या दम कर गए, जिस दिन से आप गए हैं उसके कान में कुछ पढ़ के दम किया है, वो वहां से हिला ही नहीं, ना वो खाता है ना वो पीता है, उसकी आंखों में आंसू रवा है, वो सूख के काटा हो गया। नबी पाक फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की कसम मैंने कुछ पढ़ के दम नहीं किया था, मैंने उसके कान में कहा था तुझे मरना नहीं है, तुझे मरना नहीं है। अल्लाह के महबूब फरमाते जितना इंसान को मौत का इल्म है, इतना इल्म अगर जानवरों को हो जाए, जानवर खाना पीना छोड़ जाए, उनकी मौत आ जाए, लेकिन इंसान को सब कुछ पता है, दाता जान को अपने हाथों से दफन किया, अबू जान को अपने हाथों से दफन किया, प्यारी प्यारी माँ को अपने कंधों पे लाद के खुद गया, जाके कब्र में दफन करके आया, लेकिन जमीन जुम्बश आसमान जुम्बश गुल मोहम्मद ना जुम्बश, जमीन हिल गई आसमान हिल गया, ये गुल मोहम्मद नहीं हिलता, जो करतूते उससे बात नहीं आया, झूठ बोलता तो बोलता रहा, बदकारी करता तो नहीं छोड़ी, अगर गुनाह करता था उसमें से तब्दीली ना आई, अपने हाथों से दफन करके भी मौत याद ना आई तो कब याद आएगी। मैं अपने भाइयों से
अपने बुजुर्गों से, बहनों से, बेटियों से ये अर्ज करने आया हूँ, ना अल्लाह का दीन खाने से रोकता है, ना पीने से रोकता है, ना अच्छे कपड़े पहनने से रोकता है, ना मकान से रोकता है, लेकिन अपने आप को सिर्फ दुनिया के लिए कर दें और वो जिंदगी जहाँ मौत नहीं आएगी, उन नेमतों का जिसका कोई इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता, उसको भूल कर अपनी आफत को खराब करके अगर मौत आई, खुदा की कसम ये मौत अच्छी नहीं है। आनी तो है लेकिन ये मौत अच्छी नहीं है, इस मौत को बदलना है। हदीस पाक है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदे या बंदियां दो ग्रोहों में तकसीम की गई, एक अल्लाह का जिक्र करने वाले, अल्लाह की नमाज पढ़ने वाले, रोजे रखने वाले, हज करने वाले, अगर सामने किसी की माँ बहन बेटी आ जाए, उनकी नजर अल्लाह के ख्वाब से झुक जाती है, वो हराम नहीं देखते, वो चुगली नहीं करते, गिबत नहीं करते, हलाम हराम लुकमा नहीं खाते, वो बड़ों का अदब करते हैं, छोटों से प्यार करते हैं, हर एक का हक अदा करते हैं, रसूल पाक फरमाते हैं। दूसरा वो गिरोह है, कहता है मैं अल्लाह पर ईमान लाया, कहता है मैं ईमान लाया, कहता है मैं पुराने पाक को सच्ची किताब कहता हूं, लेकिन अल्लाह अकबर की सदाएं लगती रही, हैया अलस्सलाम की सदा लगती रही, ये नहीं सुनता, इसे अपनी इज्जत प्यारी है, दूसरे की इज्जत प्यारी नहीं है, नहीं देखा मैं खाता हूं हलाल है कि हराम है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, जो जिस्म हराम से नशोनुमा पाया, इसका सिर्फ जहन्नम की आग का हक है, वो इसको खाए, नहीं सोचा मेरे पेट में ये लुकमा जाता है हलाल है कि हराम है, ये अपनी जिंदगी गुजारता रहा। खुदा की कसम इन दोनों में बहुत फर्क है। रसूल पाक फरमाते हैं, जब अल्लाह का जिक्र करने वाला, रब की नमाज पढ़ने वाला, आंखों में हया लाने वाला, अल्लाह की अताअत करने वाला, रसूल पाक की सुन्नतों पर अमल करने वाला, अपनी मौत को याद रखने वाला, अपनी कब्र को याद रखने वाला, खुदा उसके रसूल के एहकाम पर अमल करने वाला, इसकी जिंदगी पूरी हो जाती है। रब कहता है इज़राइल मेरे इस बंदे को ले आ, मेरी इस बंदी को ले आ, नहीं देखा सर्दी थी गर्मी थी, सर्दी में भी वुज़ू किया, गर्मी में भी मस्जिद में जाके पड़ी, ओ मेरे फरिश्ते इज़राइल चला जा इसको ले आ, इसने मेरे दीन पर अमल किया, कुरान पाक पर अमल किया, इसके दोस्तों ने इसको गुमराह करने की कोशिश की, इन्होंने तो मेरी मानी, मेरी अताअत की, कदम कदम पर नफ्स ने गलबा किया, इसने तो मेरी अताअत की, मेरा जिक्र किया, मेरे हुक्म पे अमल किया, इससे गुनाह से मुंह को फेरा, नेकी को अपनाया, ए इज़राइल जा इसको ले आ, अब वक्त आ गया है मैं इसको अपने इनामों से नवाज दूं, अपनी रहमतों से माला मार कर दूं। रसूल पाक फरमाते इज़राइल अलैहिस्सलाम 500 फरिश्तों के साथ आसमान से नाजल होते हैं, कैसे आते हैं, इज़राइल अलैहिस्सलाम उसके सरहाने बैठकर उसके सर पर अपना हाथ ऐसे रखते हैं जिस तरह माँ अपने बच्चे को प्यार से सर पे हाथ रखती है, और पैगाम देते हैं अल्लाह ने तुझे बुलाया है, चारों अतराफ वो मलाइका वो फरिश्ते बैठ जाते हैं, वो बेताब होके कहता है रात को मैं जो तहज्जुद की नमाज पढ़ के अल्लाह का जिक्र करता था, मेरी घड़ियों का इंतजार करता था, मेरी रब से कब मुलाकात होगी, मैं अल्लाह का दीदार कब करूंगा, मैं तो अल्लाह ताला के लिए रात को उठता था, मैं तो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता था, अल्लाह के लिए सदका खैरात करता था,
मैं तो अल्लाह को राजी करता था, कब मुलाकात होगी, मैं इंतजार में था। वो जवाब देता है, मैं हाजिर हूँ, मुझे अल्लाह से मुलाकात करा, रब से विसाल करा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, उसकी रूह बेताब होके तड़पने लगती है कि कब मैं जिस्म से निकलूं। उसकी रूह ऐसे निकलती है जिस तरह मक्खन से बाल निकलता है। हदीस पाक अल्लाह के महबूब ने फरमाया, नमाज का वक्त हुआ, पढ़ लेंगे अभी बड़ी जिंदगी पड़ी है, पढ़ी ये दाढ़ियां हिलाता रहा, कपड़े ठीक करता रहा, अल्लाह की नमाज इसकी खारिश ही खत्म नहीं हुई। नमाज भी ऐसी पड़ी, पहले तो पढ़ी नहीं, पढ़ी तो दिल हाजिर नहीं, दिल कामों में मशगूल है। मेरे भाई मेरे बेटे, अल्लाह के सारे काम ये जानता था, इसने ना हलाल देखा ना हराम खाया, हराम खा के हराम देख के अपनी निगाहों को नापाक किया। रसूल पाक फरमाते, जिसने अपनी जिंदगी में एक बार किसी गैर महरम को शहवत से देखा होगा, 40 साल तक जहन्नम का अज़ाब भुगतेगा। रसूल पाक फरमाते, जिसने अपनी जिंदगी में एक बार किसी गैर महरम का बोसा लिया होगा, 500 साल तक जहन्नम का अज़ाब भुगतेगा। नबी पाक ने फरमाया, सुनो, रोज़े महशर एक दिन 1000 साल का होगा। जिंदगी सारी गुजर गई, अल्लाह को राजी नहीं किया, गुनाह नहीं छोड़े, अल्लाह की नाफरमानी नहीं छोड़ी। अल्लाह हुक्म देता है, ऐ इज़राइल, इस बंदे को मैंने हर नेमत से नवाजा, अब इसको मेरे पास ले आ ताकि मैं इसके किए का इसको बदला दे दूं। अल्लाह के महबूब फरमाते, दर में को कार अल्लाह की अताअत करने वाला, गुनाह से बचने वाला, उसकी रूह इस तरह निकलेगी जिस तरह मक्खन से बाल निकलता है। और जब इस गुनाहगार के पास इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, आके कहते हैं, अल्लाह का हुक्म आ गया, मैं तेरी रूह कब्ज करने आया हूं। टांग पे टांग चढ़ती है, रूह निकलना नहीं चाहती। अल्लाह का फरिश्ता कहता है, मुझे हुक्म है, इसे मुझे निकालना है। जब वो खींचता है, उसकी रगें फटती हैं, उसकी नसें फटती हैं, और टखने पे जाकर रोक देता है, उसकी चूतड़ों पर गुर्जे मारता है, गुर्जों के कांटे चूतड़ों में चुभ जाते हैं। नबी पाक फरमाते, उसकी चूतड़े कीमा कीमा हो जाती हैं, रूह निकलना नहीं चाहती, अल्लाह का फरिश्ता छोड़ना नहीं चाहता। जब उसको खींचता है, खेल के घुटने तक ले आता है, नबी पाक फरमाते, रूह निकलती नहीं, अल्लाह का फरिश्ता खींचता है, उसकी रगें फटती है, उसकी नसें फटती है, उसका रेशा रेशा फटता है, उसके बाद उसकी चूतड़ों पर फिर गुर्जर दुर्रे आके मारे जाते हैं, यहाँ तक कि उसी तरह उसकी रूह को खींचा जाता है। वो कहता है, तू मुझे कहाँ ले जाएगा? अल्लाह का फरिश्ता जवाब देता है, जो तूने अमल किए थे, जहां तेरे अमल है वहां तुझे पहुंचाऊंगा। वो चीख मारता है, मेरे अमल तो ठीक नहीं थे, कहां मुझे तेरी जगह है, तुझे वहीं पहुंचाऊंगा। और मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बेटे, वो रूह खींचता है, निकालता है, फिर उसे बदबूदार कपड़े में लपेटता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो नेकोकार अल्लाह की इताअत करने वाला, अल्लाह का जिक्र करने वाला, अल्लाह को याद करने वाला,
गुनाह का मौका मिला तो अल्लाह के डर से बाज आ गया। गुनाह का मौका मिला तो रब के डर से इतने गुनाह नहीं किया। मुझे अल्लाह को हिसाबो किताब देना है। रसूल पाक फरमाते हैं इसकी रूह को जन्नत के कपड़े में लपेट कर आसमान तक लेकर चलते हैं। जब पहले आसमान पर पहुंचते हैं पूछा जाता है कौन, ये फरिश्ता जवाब देता है फलां फलां का बेटा, नेक साले अल्लाह की इताअत करने वाला। फरिश्ता कहता है मरहबा मरहबा, हमें हुक्म दिया गया है इसको एहतराम से लाओ, इसको इकराम से लाओ, इसको तारीफ से लाओ। जिसकी मलाइका तारीफ करते हो, अल्लाह के फरिश्ते तारीफ करते हो, उसकी अजमत क्या होगी, उसकी शान क्या होगी। रसूल पाक फरमाते हैं हर आसमान पर पूछा जाता है ये कौन है, जब जवाब देते हैं तो फरिश्ते कहते हमें इसकी ताजीम का हुक्म है, इसके इकराम का हुक्म है, मरहबा खुशामदेद, अल्लाह का ये हुक्म था ले आओ। यहाँ तक कि अल्लाह के सामने इस रूह को पेश किया जाता है। रूह कहती है या अल्लाह दुनिया में तेरे सामने सजदा रेज रहा, तेरी नमाजें पढ़ता रहा, तेरे हुक्म पर मैं अताअत करता रहा, मैंने तेरे काम को माना, मेरे रब मुझको इजाजत दे मैं आज तेरे सामने तुझे सजदा करूं। रसूल फरमाते अल्लाह इजाजत देगा वो रूह अल्लाह के सामने लंबा सजदा करेगी, फिर रब कहेगा इसे वहां ले जाओ जहां मेरे मलाइका की अरवाह मेरे वलियों की अरवाह इसको वहां पहुंचा दो। ये बदकार ये बेहया नेकी जानता था नहीं की, गुनाह जानता था बाज नहीं आया, इसकी रूह को खलीज कपड़े में लपेट कर आसमान तर उठेंगे। पहला दरवाजा आएगा पूछा जाएगा कौन, कहा जाएगा फुला बिन फुला, वो कहेंगे लानत इस रूह पर, खुदा की कसम अल्लाह की मानने में कामयाबी, कब तक अल्लाह से बगावत करते रहेंगे, कब तक नफ्स की पूजा करते रहेंगे, कब तक शैतान की मानते रहेंगे। इतनी लंबी जिंदगी नहीं है, जिसकी जिंदगी 100 साल है उससे पूछो कैसे गुजरी, वो कहेगा मैं तो कल बच्चा था पता ही नहीं चला, जवानी भी गुजर गई बुढ़ा हो गया मौत आ गई। मेरे भाई मेरे बेटे अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे लानत इस रूह पर, इजाजत नहीं है इसको ऊपर लाया जाओ, इस रूह को वहां ले जाओ जहां फिरौन हमान शद्दाद खुदा के लानती अल्लाह के नाम फरमान बंदे इनको वहां जाके रखो, इसको ऊपर आने की इजाजत नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये नेकोकार अल्लाह की इताअत करने वाला रब का जिक्र करने वाला अल्लाह की नाफरमानी से बचने वाला गुनाह को छोड़ देने वाला, इसको इसके घर वाले हुस्न देते हैं। अल्लाह की कसम उससे पहले खुदा के फरिश्ते इसको हुस्न देते हैं, इसके लायकीन इसको कफन पहनाते हैं। नबी पाक फरमाते इस कफन से पहले अल्लाह के मलाइका उसको जन्नत का कफन पहनाते हैं। लेकिन जो अल्लाह का ना फरमान है अल्लाह के काम के अमल नहीं किया उसको जहन्नम का लिबास पहनाया जाता है। रसूल पाक का फरमान है अब जनाजा उठता है, नेकोकार का जनाजा उठता है, अल्लाह हुक्म देता हूं मेरे मलाइका इसके घर से लेके कब्र तक दोनों अतराफ मेरे फरिश्ते उसके इस्तकबाल के लिए कतारें बांध के खड़े हो जाएं। कब्र तक उसका जनाजा ऐसे जाता है कि खुदा के मलाइका उसका इस्तकबाल करते हैं, और जब कब्र पर पहुंचते कब्र कहती है मरहबा मरहबा खुशामदीद, अल्लाह की कसम जितने लोग मेरी पुश्त पर फिरते थे मुझे तुमसे
से सबसे ज्यादा प्यार था। अल्लाह की इताअत करने वाले, गुनाह से बचने वाले, नेकी करने वाले, अल्लाह के जिक्र में रहने वाले, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, जितने मेरी पुश्त पर लोग फिरते थे मुझे सबसे ज्यादा तू प्यारा था। आ जा मेरे पास, देख मैं तेरे साथ किस तरह पेश आती हूँ। नबी पाक फरमाते हैं जब उसके लवाहकीन उसे कब्र में उतारते हैं उसकी कब्र हद्दुल नजर फैल जाती है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, उसके घर वाले दफन करके लौट जाते हैं। इंसान होने के नाते कोई अल्लाह का बंदा ऐसा नहीं है उससे गुनाह ना हुआ हो, सिर्फ खुदा के नबी पाक और मासूम होते हैं। बंदे से गुनाह हो जाता है, अल्लाह के महबूब फरमाते जब उसको नेकोकार को दफन करके लोग चले जाते हैं उसके सामने से जो जो उसने गुनाह किए हैं उसका अजाब आता है। जैसी अजाब करीब आता है इसने नमाज का वुजू किया होता है, नमाज का वुजू किया होता है, वुजू सामने खड़ा हो जाता है, कहता है नहीं ये सर्दी में ठंडे पानी से वुजू करता था, ये गर्मी में घर से निकल के बच्चे जाता था, मैं वो वुजू हूं, मैं तुझे करीब नहीं आने दूंगा। अल्लाह के महबूब फरमाते वो गुनाह से अजाब में मुब्तला करना चाहते हैं लेकिन जो वुजू किया था वुजू का सवाब सामने खड़ा होके उसको रोक देता है। वो दाएं तरफ से घूम के आता है, इसने ये गुनाह किया था, इसने फला गुनाह किया था, ये रब की नाफरमानी की थी, इसको ये अजाब देना चाहता हूँ। रसूल पाक फरमाते जब वो दाईं तरफ से आता है उसकी नमाज उसके सामने खड़ी हो जाती है, मैं तुझे करीब नहीं आने दूंगी। इसने दुनिया में अल्लाह के लिए बड़ी मुशक्कत बर्दाश्त की है, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की है, अभी तो थोड़ा आराम का से मौका मिला है, मैं तुझे करीब नहीं आने दूंगी। रसूल पाक फरमाते फिर वो घूम के बाईं तरफ से आता है, सामने से उसने जो अपने वालदैन के साथ एहसान किया होता है वो खड़ा हो जाता है। अम्मी ने पाला कैसे पाला, दूध धो धो के पाला, शाम धो के पाला, माँ ने पुष्पांग का दूध पिलाया, जब बच्चा पैदा हुआ कितनी तकलीफ बर्दाश्त की, जब ये बच्चा बड़ा हो गया तो माँ को बुढ़ी बुढ़ी कहने लगा, अबो को बुढ़ा बुढ़ा कहने लगा, कुत्ते की तरह भौंकने लगा। मेरे भाई कुरान पाक पढ़, कोई औलाद अपने वालदैन के एहसानों का बदला नहीं दे सकती। रब कहता है ऐ मेरे बंदो, जब तुम अपने वालदैन में से दोनों या एक को बुढ़ापे में पाओ उनको उफ भी मत कहो, तुम उनके लिए मफ़त की दुआ करो, या अल्लाह जिस तरह इन्होंने मुझे बचपन में प्यार से पाला है, या अल्लाह तू मेरे वालदैन की बख्शिश फरमा दे। जब मेरे बंदे अपने वालदैन की बख्शिश की दुआ करते हैं तो वालदैन का मैं इसको बदला एहसानों का बदला बना दिया करता हूँ। जब बाईं तरफ से अजाब आता है इसने अपने वालदैन की ताजीम की होती है, वालदैन का अदब किया होता है, वालदैन की खिदमत की होती है, रसूल पाक फरमाते ये नेकी सामने खड़ी हो जाती है, मैं तुझे करीब नहीं आने दूंगी। अल्लाह के महबूब फरमाते वो फिर पीछे से आता है, जिस अल्लाह के मोमन बंदे ने अल्लाह का जिक्र किया होता है, अल्लाह को याद किया होता है, कभी दोषी पढ़ रहा है, कभी सुबहान अल्लाह पढ़ रहा है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, कभी अस्तगफार पढ़ रहा है, रसूल पाक फरमाते ये अल्लाह का जिक्र उसके सामने खड़ा हो जाता है, कहता है मैं तुझे करीब नहीं आने दूंगा। फिर आवाज आती है सो जा, और जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है।
एक कोने से आवाज आती है, ओ बंदा मोमन मैं तेरा सबर हूं। हदीस पाक सुना रहा हूं, एक कब्र के कोने से आवाज आती है, ए बंदा मोमन मैं तेरा सबर हूं। गुनाह का मौका मिलता था तू रुक जाता था, गुनाह का मौका मिलता था तू अल्लाह से डर जाता था, गुनाह का मौका मिलता था तू वापस आ जाता था। मैं तो सबर हूं, मैं भी यहां मौजूद हूं, अगर नेकियों को मैं कमजोर पाता अल्लाह की कसम मैं यकदम तेरी मदद के लिए आता। अब जब तक क्यामत नहीं आती मैं तेरे साथ हूं, जब क्यामत का दिन आएगा कब्रें फटेगी तू निकलेगा, मैं तेरा हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करा के लौटूंगा। अल्लाह की मानी नहीं, अल्लाह की सुनी नहीं, रसूल पाक का दीन समझने की कोशिश ही नहीं कई, अमल तो बहुत दूर की बात है। हमसे कोई पूछ ले सवाल करे, भाई नमाज अल्लाह का वो फर्ज है, जो नमाज को तर्क करे उसने गोया कुफर किया। मैं अपनी बात नहीं सुना रहा हूं, हदीस पाक, जिसने जानबूझ के नमाज तर्क की उसने गोया कुफर किया, इस्लाम से खारिज हो गया। हमसे कोई सवाल पूछे, आप बताओगे कि नमाज में कितने फर्ज हैं? एक फर्ज रह जाए नमाज नहीं होती। हमसे पूछे, भाई आप मुसलमान हो, नमाज ऐसा फर्ज है, नमाज तारिक काफिर हो जाता है, आप बताओगे नमाज में कितने फर्ज हैं? एक फर्ज रह जाए नमाज नहीं होती। हम दाएं बाएं देखने लगते हैं, जिसने नमाज के फर्ज ही याद नहीं किए, जिसको फर्जों का ही पता नहीं है, बाकी क्या पहाड़ ढाया होगा, बाकी क्या कमाल किया होगा। अल्लाह की कसम सोच लो, कल सोचेंगे, सिर्फ सोचेंगे नहीं, नबी पाक फरमाते इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, कोई इन गुनाहों की वजह से टुखने तक पसीने में, कोई गुठने तक पसीने में, कोई नाव तक पसीने में, कोई गर्दन तक पसीने में, कोई सारे का सारा उस पसीने में गर्क होगा। और नबी पाक फरमाते वो पसीना ऐसा होगा 70 बार पहली खाल जलेगी, अल्लाह नई खाल पैदा करेगा, और आका फरमाते उस पसीने का एक कतरा ओहद पहाड़ पर डाल दिया जाए, ओहद पहाड़ पिघल के पानी हो जाए। ये भागेगा, मेरी जान छूटे उस पसीने से भागेगा। रसूल पाक फरमाते एक गुनाहगार का पसीना दूसरे गुनाहगार के पसीने में नहीं मिलेगा, वो पसीना का पीछा करेगा, उसको घेर घेर के जलाएगा। लेकिन जिस अल्लाह के बंदे ने अपने गुनाहों से तौबा की, जो कमियां थी दूर की, जो दीन नासिका उसको सीख लिया अमल करके, उसने इतना सिर्फ अल्लाह के डर से एक आंसू उसकी आंख से टपका। हदीस पाक सुना रहा हूं, ये डर गया, गलत राह छोड़ दी, अल्लाह की राह पे चल पड़ा, इलम नहीं था तो सीख लिया, नमाज नहीं पढ़ता तो पढ़ने लगा, जो अल्लाह के काम पर अमल नहीं कर रहा था करने लगा, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दी, अल्लाह के खौफ से इसकी आंख से सिर्फ एक आंसू टपक गया। मेरे महबूब फरमाते हैं ये एक आंसू जहन्नम की सारी आग को ठंडा कर देगा। मैं आपको इसका हल बताऊं, सॉल्यूशन। ये तो समझ में आ गई कि मौत पर ईमान ये है कि रोजे क़यामत अल्लाह को हिसाब किताब देना है, अल्लाह ने जिंदा करना है, नेकी बदी का हिसाब किताब करना है, अब क्या करें। हदीस पाक
अल्लाह के महबूब फरमाते इंसान के दिल में दो खाने होते हैं, एक में अल्लाह का फरिश्ता बैठता है और दूसरे खाने में शैतान बैठता है। जब अल्लाह का मोमन बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, ये फरिश्ता इसके दिल में नेकी की मोहब्बत डालता है। अगर ये अल्लाह का जिक्र करता है, ये अल्लाह का फरिश्ता नेकी की मोहब्बत डालता रहता है, ये नेकी करता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह का वली बन जाता है। नबी पाक ने फरमाया, जब अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए, अल्लाह के जिक्र को छोड़ दे, दूसरे खाने में शैतान बैठा है, वो उसके दिल में गुनाह की मोहब्बत डालता है। ये जिक्र से गाफिल, वो गुनाह की मोहब्बत डालता रहता है, ये गुनाह करता रहता है, यहां तक कि गुनाह कर करके ये शैतान का दोस्त बन जाता है। कई कुरान हदीस में आया है कि 24 घंटों में 20-25 मिनट गुनाह भी कर लिया करो। आया हो तो मुझे कोई बता दे, 24 घंटे बहुत होते हैं, 24 घंटे में 4 मिनट गुनाह करने की इजाजत है? तो मेरे भाई, मेरे बेटे, एक सेकंड की इजाजत नहीं है। अगर हर वक्त आपको नेकी करनी है तो हदीसे पाक के मुताबिक हर वक्त अल्लाह का जिक्र करना है, ताकि दिल में नेकी आए। नेकी करते रहो और अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली बन जाओ। हर वक्त अल्लाह का जिक्र जुबान से नहीं किया जा सकता। खाना खाओगे, जिक्र नहीं कर सकोगे। पानी पियोगे, जिक्र नहीं कर सकोगे। पढ़ोगे, जिक्र नहीं कर सकोगे। लिखोगे, जिक्र नहीं कर सकोगे। नौकरी करोगे, जिक्र नहीं कर सकोगे। नहीं तो बोलेगा जा जाके मस्जिद में बैठ। ऐसा ही है। लेकिन ईमान को बचाना, अल्लाह उसके रसूल की अताअत करना, ये तो तखलीक का मकसद है। इसका मतलब ये हुआ, जिस काम की अल्लाह ने पैदा किया था वो जाए भाड़ में, वो होता ना हो, लेकिन नौकरी तो चलनी चाहिए, बच्चे तो दो चार होने चाहिए, कारोबार तो चलना चाहिए, कोई रेंट रियाल तो इकट्ठे होने चाहिए। ऐसा नहीं है। हर वक्त अल्लाह का जिक्र भी हो, ये सारे काम भी हो और पहले से भी अच्छे हो, फिर आपको तखलीक का मकसद पाने वाले बनो। ये है दिल का जिक्र। जब बंदा दिल से अल्लाह का जिक्र करता है, हाथ काम करते हैं, दिल अल्लाह का जिक्र करता है, जुबान गुफ्तगू करती है, दिल अल्लाह का जिक्र करता है, आंखें सो जाती हैं, दिल अल्लाह का जिक्र करता है, खुदा की कसम बंदा मर जाता है, रूह निकल जाती है, मर के भी दिल अल्लाह का जिक्र करता है। जो अल्लाह के नाम से दिल जिंदा हो जाए उसको कभी मौत नहीं आती। और ये नेमत सिर्फ हमारे प्यारे रसूल अपनी उम्मत को अता की है। तफसील पढ़ लो, सारे अल्लाह के नबी दिल से अल्लाह का जिक्र करते थे और अपनी उम्मत को जुबान से अल्लाह का जिक्र कराते थे, लेकिन हमारे प्यारे रसूल नबी पाक सल्लम ने नबियों के दिल का जिक्र अपनी उम्मत को अता किया, और सबसे पहले खुदा के महबूब ने ये नेमत हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाई। आज ये नेमत आपको भी मिल रही है। अभी आपने सुना, आपका नाम नहीं पूछा, क्या करते हो, काम नहीं पूछा, और आप ये कुतुब पढ़ सकते हो। दिल का जिक्र हासिल करने के लिए लोगों ने 40-40 साल अल्लाह के वलियों की खिदमतें की, ना नाम पूछा ना काम पूछे। आप सबको इसकी अभी इजाजत दूंगा, 10 मिनट लगेंगे, आपको तरीका समझाऊंगा। अगर आपने इस पर अमल किया, साल नहीं, महीने नहीं, चंद दिनों में अल्लाह आपके दिल की जुबान को जारी फरमा देगा, दिल अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाएगा।
सब दूरशी पढ़ ले, मैं आपको तरीका ये दिल का जिक्र मर्द और कोई भी हो उसका दिल ये मर्द और कोई भी हो उसका दिल उल्टी तरफ बाई तरफ खबे पासे लेफ्ट साइड पर ये पस्तान इस पस्तान से दो ये देखें पहलू की तरफ पस्तान से दो उंगली नीचे सब देख लो ये दिल की जगह उधर दिखा दो मुझे ये दिल की जगह है ये अल्लाह की मोहब्बत की जगह है ये रब की मार्फत का मुकाम है क्या करना है हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते पढ़ते पढ़ाते जो काम करें करो गंदा काम ना करो अच्छा काम 24 घंटे करो अल्लाह का दीन नहीं रोकता जो काम करते करो लेकिन हर इस मुकाम पर ख्याल रखो सुनो मेरा दिल कहता है मेरा दिल पुकारता है क्या सुने दिल कहता है अल्लाह अल्लाह दिल में आंखें भी होती हैं दिल में जुबान भी होती है दिल में कान भी होते हैं ये जाहिरी आंखें इनकी इस्लाह होगी जब दिल की आंखें दिल की जुबान ठीक होगी ये जुबान ठीक होगी नित चुगली रीपत फैश करानी इसके बुलाए बंदा चैन नहीं पाता मेरे भाई मेरे बेटे हदीस पाक है पर बुल मोमिन बैतुर रहमान मोमन का दिल अल्लाह का घर होता है हमने सबने कलमा पढ़ा है हम मोमन हैं दिल अल्लाह का घर होना चाहिए लेकिन हमारा दिल अल्लाह का घर नहीं क्यों नहीं अल्लाह पाक है हमारा दिल गंदा गलीज और नापाक वो पाक जात गंदे दिल में नहीं आती आप नेक हैं मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ गुनाहगार बंदा हूँ कुर्सी पे बैठूं सोफे पे बैठूं अगर डस्ट होगी गर्द होगी पहले झाड़ूंगा डस्टिंग करूंगा मैं फिर बैठूंगा कुत्ते को देख लो मैंने देखा है कुत्ता बैठने से पहले जगह को देखता है अगर जगह साफ ना हो अपनी दुम से पहले जगह को साफ करता है फिर कुत्ता बैठता है कुत्ता बैठे जगह साफ करे मुझे ऐसा गुनाहगार बैठे तो गर्द को झाड़ के बैठे जो बादशाहों का बादशाह बेनियाज और पाक हस्ती आप बताओ पाक जात गंदे दिल में आएगी वो अल्लाह की जात नापाक दिल में आएगी अल्लाह पाक है हमारे दिल गंदे कलीज और नापाक है इस दिल में हसद बुग़्ज़ कीना रिया तकब्बुर बेहयाई बेग़ैरती बदकारी की चाहत जिना की मोहब्बत गुनाह की मोहब्बत सारी जिंदगी गुजर गई दाढ़ी के बाल सफेद हो गए दांत टूट गए नजर कमजोर हो गई अंदर की खवास्ते
ना निकल सकी, ये कल गंदा ही रहा, ये दिल गलीज ही रहा, ये दिल अल्लाह का घर नहीं बन सकता। अल्लाह पाक है, वो पाक दिलों में आता है। दिल पाक कैसे होता है? हदीस पाक, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, हर चीज को पाक करने का कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, हर चीज को पाक करने का कोई ना कोई आला होता है। कपड़ा गंदा हो जाए पानी पाक कर देता है, लोहा गंदा हो जाए आग की भट्टी पाक कर देती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दिल की पाकी अल्लाह के जिक्र से हासिल होती है। आप सबको दिल के जिक्र की इजाजत, भाइयों को भी बहनों को भी। किताब पढ़ लो, हजरत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगो जिसको दिल के जिक्र की इजाजत मिल जाए, इसका मतलब ये है तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत का बीज बो दिया गया। अब तू कोशिश कर इसको परवान चढ़ा। सबको इजाजत कैसे करना है, अब तरीका समझ के कर लो। दीन दुनिया की रहमतें बरकतें लूट लो और अल्लाह के वली बन जाओ, अल्लाह के दोस्त बन जाओ, हर वक्त अल्लाह की पनाह में आ जाओ। कैसे करना है? हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते पढ़ते पढ़ाते जो काम करे कर, किसी काम में रुकावट नहीं। लेकिन आपका ख्याल कहीं ना कहीं जरूर होगा। मेरे पास बैठे हैं आप सब, अपने घर ख्याल ले जाओ। टाइम लगा, कितने घंटे लगे घर ख्याल ले जाने में? मेरे पास बैठे हुए हैं, पाकिस्तान ख्याल ले जाओ, देर लगती है। और भाई यहां बैठे हैं, अमेरिका ख्याल ले जाओ। ऐसे मार्फत हासिल करनी है, ये आपके दिल में बीज बो दिया गया। अब आपने क्या करना है? हर वक्त जो करते हो करो, गंदा काम ना हो, अच्छा काम 24 घंटे करो, कोई रुकावट नहीं। लेकिन अपना ख्याल अभी और इसी वक्त दिल के मुकाम पे ले आओ। सुनो, दिल कहता है अल्लाह 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 अल्लाह। तर्जा करके सुनो फिर समझे। गर्मी का मौसम, प्यास लग गई। कभी आपने देखा जिसको प्यास लगती हो वो जुबान से पानी 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 करता हो? कभी नहीं करता, पानी का ख्याल आता है। आपने क्या करना है? अभी और इसी वक्त अपना ख्याल दिल के मकाम पे लाओ। तस्वर करो, ये दिल नहीं ये तोता है। तोते बोलते हैं, सुना था आपने, तोते बोलते हैं, खुद नहीं बोलते, उनको बोलना सिखाया जाता है। हमने दिल को अल्लाह की बोली सिखा दी है। ख्याल दिल के मुकाम पे तवज्जा करके सुने। मेरा दिल कहता है अल्लाह 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 अल्लाह। दिल कहता है, आपको तवज्जा करके सुनना है। जब आवाज हल्की हो, जब आवाज धीमी हो तो गौर से सुननी पड़ती है, तो जा करके सुननी पड़ती है। इसको सुनो, चंद दिन तो जा करके देखो। पहले तस्वर पकेगा, मेरा दिल कह रहा है मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन चंद दिन की मश्क, चंद दिन की प्रैक्टिस, आपको दिल की धड़कन सुनने लगेगी। ये दिल की धड़कन नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं। कहेंगे लोग तो कहते हैं ये दिल की धड़कन है। मेरे भाई मेरे बेटे, दिल की धड़कन बंद हो जाए बंदा मर जाता है।
किसी डॉक्टर से पूछ लो, किसी हकीम से पूछ लो, दिल की धड़कन बंद हो गई, बंदा मर गया। ये पहले धड़कन क्यों नहीं सुनी? आप पहले मरे रहते हैं। अल्लाह ने अपने बंदों और बंदियों को बनाया, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदू। रब कहता है मैंने इंसान और जिन्नात को फक्त इसलिए पैदा किया कि वो मेरी मोहब्बत और मार्फत को हासिल करें। बनाया मिट्टी से, हम सब खाक से बनाए गए। अल्लाह नूर, नूर का मिट्टी से क्या ताल्लुक? लेकिन जब अल्लाह ने इस बंदे को बनाया, मर्द औरत को बनाया, अल्लाह ने इसके दिल में अपना नूर रख दिया। इस नूर के सदके, इस नूर के जरिए ऐ बंदे तुम उससे रास्ता कायम कर सकता है, रख दिया। लेकिन जैसे ही हम बाशऊर हुए, जैसे ही हम अकलमंद हुए, गुनाह करने लगे, रब की नाफरमानियां करने लगे, इतने गंदे गुनाह, इतने खलीज गुनाह, इतने बड़े बड़े गुनाह जिससे जमीन और आसमान पनाह मांगते हैं। नबी पाक का फरमान है, जब जानी जना करके गुस्ल करता है, उसके जिस्म का पहला कतरा जमीन पर गिरता है। जमीन रोती है, कहती है या अल्लाह मुझे ऐसा इजाजत दे, मैं फट जाऊं, अपने पेट में लेके इसको पीस दूं। रब कहता है जमीन सब्र कर, एक वक्त आएगा मैं इसे तेरे हवाले करूंगा, फिर तू जान और ये जाने। मेरे प्यारे भाई, मेरे बेटे, जब बंदा बाशऊर हुआ, इसे नेकी बदी का पता चल गया, इसके बावजूद ये गुनाह करता है, गुनाह करता है, इसके दिल पर हर गुनाह पर काला दाग लगता है, दिल पर काले पर्दे चढ़ते हैं। हमने इतने गुनाह किए, ये दिल सारा काला कर दिया, इस पर काले पर्दे चढ़ा दिए। वो जो अंदर नूर था, अल्लाह ने रखा था अपनी मोहब्बत और मार्फत के लिए, वो अंदर दब के रह गया। अब आपको इजाजत मिली अल्लाह के फजल और करम से, जब आप इस पे अमल करोगे, हर तसव्वुर मेरा दिल कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हर तसव्वुर इस दाग को धोएगा, इन पर्दों को चाक करेगा। पर्दे चाक होते जाएंगे, दाग धुलते जाएंगे, जब ये पर्दे हटेंगे, दाग धुलेंगे, अंदर जो अल्लाह ने नूर रखा है, वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है, उसकी आवाज जिस तरह दिल धड़कता है शुरू में ऐसी आती है, ये वो आवाज है जो आपको सुनेगी। और तसव्वुर करें, और तवज्जा पकाएं, और बढ़ेगा, और सफाई होगी, फिर यही दिल की धड़कन जिस तरह मुंह से अल्लाह निकलता है, कलब से निकलेगा। अल्लाह की कसम, ये कलब जिंदा हो जाएगा, और जो कलब अल्लाह के नाम से जिंदा हो जाए वो तो कभी नहीं मरता। इसके अलावा दिल की जुबान जल्दी जारी हो, सीना जल्दी मनवर हो, आप जल्दी अल्लाह के वली बने, दिल में वो ईमानी गैरत जागे, खुद तो नमाज ना छोड़ें, पूरे घर को ही नमाजी कर दें, अल्लाह के नाम के डंके बजाएं, अल्लाह आपका मुहाफ़िज़ बने, अल्लाह आपका कारसाज़ बने, अल्लाह आपका मददगार बने, आप रब के हो जाएं, रब आपका हो जाए। ये नूर जल्दी पाने के लिए होता है मुराकबा। ये मुराकबा क्या है? आपने उलमा से सुना होगा या आपने इस्लामी किताबों में पढ़ा होगा, नबूवत के ऐलान से पहले रसूल पाक गार हिरा जाया करते थे, एक हफ्ते के लिए, दो हफ्ते के लिए, तीन हफ्ते के लिए। हदीस पाक में आता है 7-7 हफ्ते अल्लाह के महबूब
उस गार हिरा में बैठ के अल्लाह की इबादत करते थे। वो इबादत क्या थी? कुरान पाक नाजल नहीं हुआ था कि कुरान पाक पढ़ते होंगे। नमाज अभी फर्ज नहीं हुई थी कि तेरे मेरे नबी नमाज पढ़ते होंगे। तफासीर पढ़ लो। गार हिरा में अल्लाह के महबूब अल्लाह का जिक्र फिक्र से करते थे। अरबी में से कहते हैं मुराकबा। ये मुराकबा, जितने अल्लाह के वली बने जितना मुराकबा ज्यादा किया उतना बड़ा अल्लाह का वली बन गया। अब मैं आपको मुराकबा करके दिखाता हूं ताकि आप भी कर सको और अल्लाह के कुर्ब से मालामाल हो सको। गुनाह से नफरत, नेकी की तलब, अल्लाह ताला की मोहब्बत और मार्फत, तख्लीक का मकसद जिसके लिए अल्लाह ने पैदा किया वो करके दुनिया से लौट सकें। मुराकबा कैसे करते हैं मैं करके दिखाता हूं। जब भी वक्त मिले, सुबह दोपहर शाम रात कोई वक्त हो, पाबंदी नहीं है, जितना वक्त मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, पाबंदी नहीं, जितना मिल जाए। वुजू शर्त नहीं, कर ले अच्छी बात, ना हो कोई बात नहीं। कैसे मुराकबा करना है मैं करके दिखाता हूं ताकि आपको करना आसान हो जाए। जब भी वक्त मिले, जितना वक्त मिले, वुजू कोई शर्त नहीं, फारग होते ही बैठ जाओ। बैठ के आंखें बंद, गर्दन को दिल की तरफ झुका ले, आंखें बंद, गर्दन नीचे, गर्दन झुकाकर आज तक जो गुनाह किए हैं अल्लाह को तो पता है, अल्लाह को तो पता है, जिसने गुनाह किए उसको भी पता है। बचपन में क्या खेलता था, जवानी में क्या करता था, बुड्ढा होकर भी दिल में क्या कुछ पैदा होता है। बंदा अपने आमाल को जानता है। कैसे मुराकबा करना है देख ले। फारग होती बैठ जाए, बैठ के आंखें बंद, गर्दन को दिल की तरफ झुकाए, फिर आज तक जो गुनाह किए हैं उनको याद करके थोड़ा रो ले। नबी पाक फरमाते हैं किसी मोमन ने इतने गुनाह किए हो, गुनाह करके जमीन आसमान का सारा खला भर दिया हो, मरने से पहले सच्ची तौबा करे, अल्लाह इसके गुनाहों को नेकियां बना के वापस कर देता है। नबी पाक ने फरमाया किसी मोमन को अपने गुनाह याद आ जाए, अल्लाह के खौफ से वो इतना ही रो ले, उसकी आंख से इतना पानी निकल जाए जितना मक्खी का सर है। अल्लाह के खौफ से गुनाह याद करके इतना ही रो ले, उसकी आंख से इतना पानी निकल जाए जितना मक्खी का सर है। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पर जन्नत को वाजिब कर देता है, जहन्नम को हराम कर देता है। देखें मुराकबा कैसे करना है। बैठ के आंखें बंद, गर्दन नीचे, फिर आज तक जो गुनाह किए उनको याद करके थोड़ा रो ले। अगर रोना नहीं आता, गुनाह कर करके दिल इतना सख्त हो गया, गुनाह कर करके दिल इतना काला हो गया, गुनाह याद करके भी रोना नहीं आता, तो रसूल पाक ने फरमाया तू ऐसा मुंह बना ले जिस तरह बंदा रोता है। ये तो मुश्किल नहीं है। नबी पाक ने फरमाया तू ऐसा मुंह बना ले जिस तरह बंदा रोता है, अल्लाह अपने बंदे का रोता मुंह देखकर रब को इतना प्यार आता है। अल्लाह
समझो मेरे भाई मेरे बेटे मेरी बहन मुराकबा कैसे करना है। फर्ग उठते ही बैठ जा, बैठ के आंखें बंद कर, गर्दन को दिल तर झुका, गर्दन झुका के आज तक जो गुनाह किए याद करके थोड़ा रोले, फिर अल्लाह से वादा कर या अल्लाह मैं तेरा साहब बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिस तरह आज तक तूने मेरे ऐबों पे पर्दे डाले, मेरे गुनाह छुपाए, मेरे घर वालों को मेरे ऐबों का पता चल जाए, घर वालों मेरे मुंह पे थूकना भी पसंद ना करे, आज मैं तुझसे वादा करता हूँ इंदा तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा। पिछले गुनाह की तोबा हो गई, अब अपना ख्याल दिल के मुकाम पे ला के सुन। दिल कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जुबान नहीं दिल कहता उसको सुनना है। दुर्शी पर कितना आसान अमल है, फरागत के वक्त वुजू कोई शर्त नहीं, कितना वक्त है उसकी कोई पाबंदी नहीं, फारिग होती बैठ बैठ के आंखें बंद करके गर्दन को दिल तरफ झुका कर गुनाहों को याद करके रब के खौफ से थोड़ा रो, नहीं रोना आता अपना चेहरा बना जिस तरह बंदा रोता है, फिर अल्लाह से अहद कर ले या अल्लाह मेरी क्या ताकत है। इमाम गजाली फरमाते हैं बंदा गुनाह करता है ये अल्लाह से लड़ने का ऐलान करता है, और जो नेकी करता है अल्लाह से दोस्ती का ऐलान करता है। मान जाओ कि हम अल्लाह से लड़ नहीं सकते, हम लड़के तबाह हो जाएंगे। आंखें बंद करके गर्दन झुकाकर गुनाहों से सच्ची तौबा करके अपना ख्याल दिल के मुकाम पे ला के सुन। दिल कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये मुराकबा। इसके अलावा ये जुबान भी अल्लाह ने जिक्र के लिए दी है। हमने जुबान से बकवास बहुत बकी है, ऐसी बगैर मतलब की बातें, आ तेरे को लतीफा सुनाऊं, चुम्मियाँ भीते बहतान किस्से कहानियाँ। मेरे भाई मेरे बेटे, हदीस पाक है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती आ गए, या नबी अल्लाह हमें बताएं बख्शिश कैसे होगी। खुदा के नबी ने कहा कभी ना बोलो, कभी ना बोलो। उम्मती दायमा देख के कहते हैं या नबी अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि हम कभी बोले ही ना। फिर आपने फरमाया फिर उतनी बात करो जिससे तुम्हारा मतलब हासिल हो जाए। वो बात कलाम जिसका कोई मतलब नहीं है वो भी गुनाह है। जुबान से कम अज कम 3-4 तस्वीर जुबान से पढ़ो कलमा तैयबा रोजाना, दिन रात में 24 घंटे होते हैं। हर दाने पे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तस्बीह मुकम्मल हो गई तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 4-5 तस्बीह दुरूद शरीफ, जो भी दुरूद शरीफ आता है नूरी है। जब सोने का वक्त आ जाए जुबान पे अस्तगफार पढ़ते पढ़ते तुझे नींद आ जाए। इसके अलावा मेरे भाई मेरे बेटे मेरी प्यारी बहन, नमाज नहीं छोड़नी। नमाज छोड़ना गुनाह है कबीरा। जानी जानी शराबी बदकार लानती कयूस
सबसे गुनाहगार बेनमाजी। बेनमाजी 24 घंटे अल्लाह के गजब कहर में। मैं अपनी बात ही सुना रहा हूँ, कुरान और हदीस। बेनमाजी 24 घंटे अल्लाह के गजब कहर में। बेनमाजी की कोई नेकी कबूल नहीं। बेनमाजी मर जाए, नमाज जनाजा नहीं होती, पढ़ा दो, होती नहीं है। बेनमाजी शादीशुदा हो, निकाह टूट जाता है, बच्चे हराम पैदा होते हैं। दीदी नमाज ना पढ़े, शोर का हक है, उसको नमाज पढ़ाए, 3 बार हुज्जत करे, नहीं मानती हुक्म अलग अलग कर दे, तलाक दे दे, नहीं तो उसके गुनाह में तू शरीक है। रोजे क्या मत मार बाप को, बेटा बेटी गिरेबान से पकड़ेंगे, गर्दन में हाथ देके खींचेंगे, चलो हमारे साथ जहन्नम में। बीवी अपने शोर का गिरेबान पकड़ेगी, गर्दन में हाथ देके घसीटेगी, चल मेरे साथ जहन्नम में। रोएंगे, मां रोएगी, बाप रोएगा, शोर रोएगा, अपने साल याद दिलाएंगे, मैंने इतने साल काम किया, मेहनत मजदूरी सारा तुझे लगाया, तुझे खिलाया, तुझे पहनाया। मां बाप कहेंगे बेटा हमने तुझे जो पहना सो पहना, तुझे बेहतरीन पहनाया, हमने जो खाया सो खाया, तुझे बेहतरीन खिलाया, तू बीमार होता था, हमने तुम्हें चैन नहीं आता था, सारी सारी तकलीफें दूर करते थे। बीवी कहेगी, बच्चे कहेंगे हाँ मानते हैं। स्कूल की फिक्र थी, नमाज नहीं पढ़ाई, हम जहन्नमी हो गए, हम अकेले नहीं जाएंगे, तुम्हें साथ लेके जाएंगे। बीवी कहेगी खाना पकाने में देर की थी तो गालियां देते थे, नमाज नहीं पढ़ाई, मैं तेरे माता थी, मैं जहन्नमी हो गई, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुझे साथ लेके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेनमाजी का इस्लाम में कोई हिस्सा ही नहीं। बीवी बच्चे जब खींचेंगे अल्लाह का हुक्म आ जाएगा, ये सच्चे हैं। पहले शोर को मुंह के बल घसीटो, पहले माँ बाप को मुंह के बल घसीटो, इनकी टांगे ऊपर करो, सर नीचे करो, पहले इनको जहन्नम में डालो, बीवी को बच्चों को बाद में डाल देना। अल्लाह की कसम ये चुमियाँ, ये बच्चों को कंधे पे रख के नाचना, सब भूल जाएंगे, दिल चाहेगा अपने दांतों से काट के इनको खा जाए, लेकिन नहीं, वक्त गुजर गया। आज हक अदा कर, प्यार से मोहब्बत से मना, नहीं मानते जूता उठा दे, 2 मार टांट ले, खाने का इंतजाम करे, तू पहनने का इंतजाम करे, बीवी के बच्चों की सारी जरूरतें पूरी करे, और तेरे लिए जहन्नम का सामान तैयार करे। अल्लाह की कसम अकल की बात नहीं, हक अदा कर, नहीं तो जान नहीं छूटेगी। नमाज पढ़े, वुजू करे, तो वुजू में मसवाक, ये लकड़ी है, मिलती है जगह जगह मिलती है, ले लो। नबी पाक की सुन्नत, ये पकड़ने का तरीका, गीला करो, मुंह में पानी डालो, वुजू में हाथ धोने के बाद इसको दाएं फेरो, बाएं फेरो, हल्क में फेरो, फेर के धो लो, फिर फेरो, फिर धो लो, 3 बार फेरो, मुंह की बदबू खत्म, दांत साफ। शान क्या है, नबी पाक फरमाते जिस वुजू में मसवाक इस्तेमाल की जाए वो नमाज बगैर मसवाक की वुजू से 70 गुना ज्यादा शान रखती है। मैंने सुना था, फिर अल्लाह ने मुझे दिखाया, वो रसूल पाक का उम्मती जो 5 वक्त वुजू में मसवाक दे करके वुजू करके नमाज पढ़ेगा, जब उसकी मौत का वक्त आएगा अल्लाह के फरिश्ते पहले कलमा शहादत पढ़ाएंगे,
उसके बाद रूह कब करेंगे, कलमा पढ़ के मौत आएगी। दीन इस्लाम में नंगे सर फिरने की इजाजत नहीं। हम नमाज भी नंगे सर पढ़ते हैं, फिर बालों के स्टाइल खराब हो रहे हैं। ये स्टाइलों को ठीक करते करते कभी खुद ना मारे जाएंगे। दीन इस्लाम नंगे सर फिरने की इजाजत नहीं देता। बेहतरीन टोपी ले लो, एक से एक टोपियां मिलती है, मना नहीं है, लेकिन नंगे सर फिरने की इजाजत नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, नंगे सर रहने वाले को रसूल पाक नापसंद फरमाया करते थे। मैंने आजमाया, आप भी आजमायो। जिस बच्चे को माँ बाप नापसंद करें, खुदा की कसम कभी नहीं पलटता, कभी कामयाब नहीं होता। जिसको तेरा मेरा नबी नापसंद करे, किस खैर की उम्मीद में? बेहतरीन टोपी दे लो, मना नहीं। नंगे सर ना फिरो। ये पगड़ी ना मौलवी की निशानी, ना मुअज्जिन की निशानी। मैं कोई मस्जिद का इमाम नहीं हूँ मेरे भाई, अभी 20 ग्रेड से रिटायर हुआ हूँ। पढ़े लिखे जानते 20 ग्रेड क्या होता है? खुदा की कसम, मिनिस्टर बुलाते थे, मीटिंग होती थी, मैं कहता था मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, आप मीटिंग शुरू करो, मैं आता हूँ। कहते थे नहीं सर, आप आएंगे तो हम बैठेंगे, हम भी खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। वो मुझे इज्जत देते थे, रंग तो मेरा काला, कद मेरा छोटा। आप मानो, वो नबी पाक की सुन्नतों को इज्जत देते थे। पगड़ी नबी पाक की सुन्नत, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जब तक मेरी उम्मत दस्तार बांधेगी साहिब इज्जत रहेगी। नबी पाक ने फरमाया, जिस नमाज में पगड़ी बांधी जाए वो नमाज बगैर पगड़ी की नमाज से 25 गुना ज्यादा शान रखती है। सब देखें, मेरे तो देखें, कोई ये ना कहे मैं खिड़की में था, मैं पीछे बैठा था। ये दाढ़ी वाजिब, किसी मसलक के आलिम से पूछ लो। आपने देखा मैंने कोई इख्तराफी बात की? दीन इस्लाम में इख्तराफी बात है ही नहीं। अल्लाह का दीन वादे है, इस पे अमल करो, इसको छोड़ दो, बाकी सब बकवास, बाकी सब हराम। मुसलमानों को लड़ा लड़ा के मिल्लत को तबाह कर दिया। दाढ़ी वाजिब, किसी मसलक के आलिम से पूछ लो। वाजिब पर अमल ना करे और ये मर जाए, अल्लाह के अजाब से नहीं बचेगा। वाजिब पर अमल ना करे, मौत आ जाए, ये अल्लाह के अजाब से नहीं बचेगा। दाढ़ी वाजिब, हद क्या है? आंखें खोलें, मेरे तरफ देख लें, कोई मुगालते न रह जाए। थोड़ी के नीचे से नापना, ये देखो, चार उंगली एक मुट्ठी, ये बड़ी हो गई है। कोई इसको चाहे तो काट ले, ना काटे तो कोई बात नहीं, चार उंगली से एक रत्ती छोटी नहीं कर सकता। दाढ़ी कटवाना, दाढ़ी मडवाना, एक मुट्ठी से छोटी करना गुनाह है कबीरा। नबी पाक का फरमान है, दाढ़ियों को बढ़ाओ, मूछों को पस्त करो, मुशरकीन की मुखालफत करो। मालूम चला मुशरकीन की निशानी यह है, वो मूछे रखेंगे, दाढ़ी काटेंगे। और मरते मोमन नबी पाक का गुलाम दाढ़ी रखेगा, मूछे काटेगा। आखिरी फिक्र की बात, नबी पाक का आखिरी वक्त आ गया, विसाल का वक्त आ गया। पढ़ लो हदीस पाक, आपके सरहाने पानी का प्याला पड़ा हुआ है, खुदा के महबूब उस पे हाथ गीला करके अपने होठों पर चेहरे पर फेरते हैं और कहते हैं, या अल्लाह मैं सकरात की तकलीफ से तेरी पनाह मांगता हूँ। अल्लाह सबसे बड़ा दोस्त है, अल्लाह सबसे बड़ा दोस्त है,
या अल्लाह मैं सकरात की तकलीफ से तेरी पनाह मांगता हूं। दरवाजा खटखटाया गया, जनते खातून भी फातिमा ने पूछा कौन, बाहर से आवाज आई इराबी हूं, रसूल पाक से मिलना चाहता हूं। जनते खातून ने कहा इराबी, नबी पाक की तबीयत बहुत नासाज है, लौट जाओ फिर आना। अल्लाह के महबूब ने फरमाया फातिमा, ये आने वाला कभी इजाजत नहीं लेता, तेरा नबी अल्लाह का हबीब है, तेरा नबी अल्लाह का महबूब है, इराबी नहीं है ये इज़राइल है, जब तक मैं मोहम्मद इसको इजाजत नहीं दूंगा ये अंदर कदम नहीं रख सकता। फातिमा के ये रसूल पाक इजाजत देते हैं। फातिमा रोने लगी, जाके नबी पाक का पैगाम दिया, जिब्रील इज़राइल अलैहिस्सलाम अंदर आए। अल्लाह ने फरमाया है मेरे रसूल अगर चाहे तो आपको जन्नत में पहुंचा दें, अगर आप चाहे ऐ खुदा के रसूल अगर आप चाहे तो आपको दुनिया में छोड़ें, अगर चाहे तो आपकी जिंदगी में इजाफा कर दें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुझे इख्तियार है, या रसूल्ला अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है जिस तरह मेरा रसूल चाहे ऐसे ही करना। नबी पाक ने फरमाया मैं अल्लाह का विसाल चाहता हूँ, मैं अल्लाह से मुलाकात चाहता हूँ, लेकर रहूँगा अपनी उम्मत में। वजह यह है कि अल्लाह का मुझसे वादा है मेरे रसूल, जब तक आप अपनी उम्मत पे रहेंगे मैं आपकी उम्मत पर जमी अजाब नाजल नहीं करूंगा। एक तरफ मैं अल्लाह का विसाल चाहता हूँ, अल्लाह से मुलाकात चाहता हूँ, दूसरी तरफ मैं दुनिया में रहना चाहता हूँ, जन्नत में नहीं जाना चाहता ताकि मेरी उम्मत पर जमी नाजल ना हो। नबी पाक ने इजाजत दी। जब रूह निकालने का वक्त आया तो रसूल पाक ने फरमाया इज़राइल इतनी तकलीफ ना दे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। पढ़िए हदीस पाक, इज़राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी ताकत, मैं अल्लाह के हबीब को रब के महबूब को तकलीफ दूं, या रसूल अल्लाह मैं आपको तकलीफ नहीं दे रहा, लेकिन ये सिर्फ रूह निकलने का अमल है जिसकी आपको तकलीफ हो रही है। नबी पाक ने फरमाया तू मुझे तकलीफ नहीं दे रहा और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरी उम्मत तो बड़ी कमजोर है, मेरी उम्मत तो बड़ी ज़ईफ है, मेरी उम्मत तो बड़ी गुनाहगार है। अल्लाह ताला ने पैगाम दिया मेरे महबूब मैं आपका अपनी उम्मत के बारे में खुश करूंगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया इज़राइल तू मुझे तकलीफ नहीं दे रहा, रूह निकलने की मुझे इतनी तकलीफ हो रही है मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, ऐ इज़राइल मेरे उम्मतियों को जो तकलीफ देनी है वो सारी तकलीफ मुझ मोहम्मद पे सीने पे डाल दे, मेरी उम्मत को तकलीफ नहीं देना। ये है तेरा मेरा रसूल, ये है तेरा मेरा नबी। खुदा की कसम ये एक फिक्र दे के जा रहा हूं, जोगी वाला फेरा होता है पता नहीं जिंदगी साथ दे फिर दोबारा मुलाकात होती है नहीं होती। नबी पाक के साबी उनकी दाढ़ी के 5 या 7 बाल थे,
पंजाबी में कहते हैं खुदी दाढ़ी खुदी, लोग मजाक उड़ाते हैं। सुन्नत का मजाक इस्लाम से खारिज, लोग उन पे हंसते थे। और जब अल्लाह के महबूब की वो खिदमत में आता तो नबी पाक का चेहरा जिस तरह भी होता आप चेहरा फेर के उसको देख के मुस्कुराने लगते। ये समझे जिस तरह दूसरे हंसते हैं ये चंद बाल देख के तो नबी पाक को शायद ये पसंद नहीं आते, आप भी मजाक मुस्कराते हैं। वो गए और वो पांच या सात बाल वो काट के आए और नबी पाक के सामने आके बैठ गए। मेरे महबूब ने उससे चेहरा फेर लिया, उसे जो के कहा या रसूल अल्लाह अगर आपने मुझसे चेहरा फेरा मुझसे तो अल्लाह चेहरा फेर लेगा। रोता हुआ आगे आया, आका ने फिर चेहरा फेरा, चारों तरफ से घूम के आया, या रसूल अल्लाह अगर आपने मुझसे चेहरा फेरा अल्लाह मुझसे चेहरा फेर लेगा। रसूल पाक ने फरमाया मैं तुझे नहीं देखना चाहता, तू मेरी सुन्नत दाढ़ी काट के आया है, मैं तुझे नहीं देखना चाहता। मेरे भाई साबी रसूल की इतनी अजमत है, कोई बड़े बड़ा खुदा का वली हो, गौस हो, कुतुब हो, मेरे नबी की साबी की शान को नहीं पा सकता। वो दाढ़ी काट के आए और ये नहीं कि उन्होंने उसको सुन्नत समझ के काटा था, वो समझे काका को शायद पसंद नहीं आया। हम किस मुकाम पे खड़े हैं, उस नबी पाक को कैसे मुंह दिखाएंगे? फिक्र नहीं, फिक्र नहीं। ये देखें मेरी अर्ज है, हाथ बांध आप फक्त ये जिक्र कर लें जो मैंने आपको बताया है, कोई मुश्किल नहीं है, वक्त का ध्यान नहीं है, किसी काम में रुकावट नहीं है। अपना ख्याल दिल के मुकाम पे रख और सुनता रहे हटेगा ख्याल फिर लौटा, हटेगा फिर लौटा, ऐसा पक जाएगा। अगर चाहो ना मैं दिल से अल्लाह का नाम निकाल लूं खुदा की कसम निकलेगा नहीं। फारिग हो जाओ तुम, मुराकबा आंखें बंद गर्दन नीचे, गुनाहों से तौबा, तसव्वुर दिल के मुकाम पे सुन, दिल कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये मुराकबा जुबानी तस्बीहां की वो करो, सारे अल्लाह के वली इसी तरह से बने, अमल करेंगे इंशाअल्लाह चंद दिनों में, दिल जिंदा दिल बाखुदा। आप अल्लाह के वली, दाढ़ी बढ़ के बादशरा, सच के नबी पाक का ताज, नमाज तो नमाज तेरे तहज्जुद के नफल छुटे, खुदा भी तेरा खुदा के रसूल भी तेरे, इंशाअल्लाह दीन में भी कामयाब दुनिया में भी कामयाब। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, दुआ कर लीजिए। सामईन गिरामी कदर, आप तमाम ये जानते हैं इंटरमीडिएट पास करने के लिए, ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स करने के लिए कम से कम 15 साल स्कूल से रब्ता रखना पड़ता है, 15 साल फीसें देनी पड़ती हैं, यूनिफॉर्म खरीदना पड़ता है, उस्ताद से ताल्लुक रखना पड़ता है। 15 साल बाद इंसान ए लेवल्स पास करता है या इंटरमीडिएट पास करता है, और इंटरमीडिएट पास बंदे की वैल्यू आजकल ये है कोई उसको चपरासी नहीं रखता। आप भी जानते हैं पाकिस्तान में इंडिया में बेरोजगारी का क्या आलम है। तो अगर ऐसी नौकरी चपरासी पियोन रखने के लिए 15 साल स्कूल से रब्ता रखना पड़े, अल्लाह उसके रसूल की मार्फत हासिल हो जाए, गुनाह गंदा लगने लगे, नेकी से मोहब्बत होने लगे, गैर की माँ बहन बेटी की इज्जतों के हम मुहाफिज बन जाएं, हय्या अलस्सलाह की सदाओं पर लब्बैक कहने वाले बन जाएं, ये एक दिन में एक लम्हे में नहीं होगा। आपको एक दावत है, मैं भी आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, उस पर हजरत वाला के इस तरह के कई बयान, हर टॉपिक पर सैकड़ों बयान मौजूद हैं। आप मुफ्त में यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इस वेबसाइट पर ये तमाम बयान सुन सकते हैं।
इसके अलावा इसी वेबसाइट पर हुजूर की बलागर की हजरत साहब की तसानीफ दर्जनों की तादाद में, जो हमारी इस्लाह के लिए, हमारे घर की इस्लाह के लिए, और जिसका तज़किरा हुजूर ने किया कि हमें अपना फ़र्ज अदा करने के लिए अपने बीवी बच्चों को और अपने आप को कम अज़ कम फर्जी उलूम हासिल करना है, ये तमाम किताबें फ़ी सबीलिल्लाह मुफ्त में PDF में आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी। इसके अलावा कोई मर्ज हो, कोई तकलीफ हो, आपको पहले बता चुका हूँ, डॉक्टर ना समझता हो, हकीम की अकल में मर्ज ना आता हो, रब्ता करना चाहते हो, ये इलाज की सहूलत भी फ़ी सबीलिल्लाह दी जाती है। ये आप इस वेबसाइट के जरिए, ईमेल के जरिए, ख़त के जरिए रब्ता कर सकते हैं। वेबसाइट अपने मोबाइलों में या पेन कागज़ ले लें, नोट फरमा लें, www.irm stands for इस्लामी रूहानी मिशन irmglobe.com। दोबारा समाप्त फरमा लें, www.irmglobe.com। इसके ज़रिए आप रब्ता कर सकते हैं, इन सारी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तरबियती निसाब मौजूद है जिसमें आप फर्जी उलूम घर बैठे बगैर किसी उस्ताद के बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं और इस तरह के तमाम लेक्चर सुन सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरी ऐलान है, 124,000 कमोबेश खुदा के नबी आए, क्या करते थे, नेकी का हुक्म देते थे, बुराई से रोकते थे, और ये सिलसिला हजूर नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। आप खातमुद्दीन हैं, आप ने इस पैगाम को मुकम्मल कर दिया। वो पैगाम क्या था, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, इस मिशन का यही काम है। ना गरज किसी से वास्ता, मुझे काम अपने काम से, तेरे जिक्र से, तेरे तिकर से, तेरी याद से, तेरे नाम से, कोई तमा लालच, कोई हिर्स नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल ये पीरी मुरीदी के चक्कर आपने देखे होंगे, पीर भी बेनमाजी, मुरीद भी एवं नादी, इतो तू लैना किया, निरियां भी मारियां। मेरे भाई मेरे बेटे, ये रस्म नहीं है, ते मेरे रसूल भी मुर्शद थे, आपका विसाल हो गया, सदीक अकबर भी मुर्शद थे, उम्र फारूक भी मुर्शद थे, उस्मान गनी अली शेर खुदा मुर्शद थे, अब्दुल कादर जिलानी मुर्शद थे, जुनेद बगदादी मुर्शद थे, इमाम रब्बानी मुर्शद थे, चिश्ती मेरी मुर्शद थे, कौन था मुर्शद, ये नबियों का काम, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। क्या करते थे, मैं अपनी तरफ से कोई माफ नहीं करता, आपको हर चीज कुरान और हदीस से मिलेगी। अल्लाह के महबूब के पास जो लोग आते थे, चाहे तो मुसलमान आता था या काफर आता था, उससे आप पहले तोबा की बैत लेते थे। और इसका शर्फ क्या है, सही बुखारी के हदीस पाक है, जब अल्लाह का मोमिन बंदा तोबा की बैत कर लेता है तो ऐसा पाक जैसे अभी माँ के बदन से पैदा हुआ, पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अब आइंदा के लिए आपको रास्ता तो मिला, लेकिन पिछले गुनाह की तोबा नबी पाक की सुन्नत है। मैं आपको ये तोबा की दुआ पढ़ाता हूँ, ये पहले पढ़ लें, जिक्र दे दिया, इसको करेंगे रूहानी कूद पैदा होगी, आपके अंदर निखार पैदा होगा और ये इलम आपको मिल जाएगा। जैसे अभी मैंने पूछा, नमाज फर्ज है, एक फर्ज रह जाए नमाज नहीं होती, किससे पूछो कितने फर्ज हैं, ये नहीं पता कि नमाज फर्ज कितने। अगर ऐसे ही मर गए, खुदा की कसम, नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। पहले आगाही दे रहा हूँ, मेरे नबी ने भी मरने से पहले आगाही थी, आपको भी मरने से पहले आगाही दे रहा हूँ, इसके बगैर कुछ नहीं है। और पाक है, हर बंदा जब उससे हिसाब किताब होगा वो रोएगा, हाय हाय लादरी, हाय मुझे तो पता ही नहीं, जो सीखना था सीखा नहीं, ऐसी मर गया, मर के अल्लाह के सामने चला गया, नुकसान वाली बात है। मैं दुआएं पढ़ाता हूँ ताकि सुनते रसूल अदा हो जाए और इस सुन्नत के सबके सारे पिछले गुनाह फरमा दे। मेरे पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
آمنت باللہ وملائکته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم عليه رب آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله خيرك ربنا معاف فرما یا اللہ ظاہری باطنی مرضوں سے شفا کلی عطا فرما یا اللہ نگاہوں کی پاکیاں عطا فرما دلوں کی پاکیاں عطا فرما ہمیں اپنا ذاکر بنا اپنا شاکر بنا صبر جمیل کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے گھر میں دینداری پیدا فرما بچوں کو نیک صالح بنا بچوں کو صدقہ جاریہ بنا دنیا میں راحت کا ذریعہ بنا آخرت میں بخشش کا وسیلہ بنا یا اللہ والدین کی بخشش فرما یا اللہ بزرگان دین کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما شیطان کے شر سے بچا نفس کے دھوکوں سے بچا ہمارے حالوں پہ رحم فرما یا اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں دور فرما ظاہری باطنی مرضوں سے شفا کلی عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وأصحابه أجمعين برحمة الله. கார்டு கரெக்டாக என்ன பண்ணுறது